हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हम हेयर एक्सटेंशन को अपने बालों में कैसे लगा सकते हैं। सो ये एक्सटेंशन मैंने परचेज की है फ्लिपकार्ट से। इस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, फुल रिव्यू मैंने शेयर किया हुआ है मेरे चैनल पे। उसका लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, इसका फुल रिव्यू आपको मिल जाएगा। ये ब्रांड है डी डिवाइन करके एक ब्रांड है, तो मैंने इसको परचेज़ किया था फ्लिपकार्ट से। सो अगेन मैं इसको डिटेल से अप्लाई करके बता रही हूँ अपने बालों में इसको कैसे लगाना है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा वॉल्यूम आ गया है मेरे बालों में। आप देख सकते हो अगर आपके बाल पतले हैं, इस तरह से आप कुछ वॉल्यूम चाहते हो अपने बालों में, तो डेफिनेटली आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम है, तो वॉल्यूम आप देख सकते हो कितना ज़्यादा आ गया है मेरे बालों में। आप कलर सोच रहे होंगे कि कलर डिफरेंट है, कलर इसलिए अभी डिफरेंट लग रहा है क्योंकि मैंने अभी अपने बालों में कलर अप्लाई किया हुआ है बरगंडी कलर, इसलिए डिफरेंट लग रहे हैं। जब मैंने इनको परचेज़ किया था उस टाइम पर मेरे बालों का कलर सेम था ब्राउन, सो इसीलिए अभी अलग लग रहे हैं। इसीलिए आपको इसमें कलर और भी मिल जाएंगे, अपने बालों के शेड के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। वहाँ पे ऑप्शन दिए होते हैं, ब्लैक मिल जाएगा आपको, ब्राउन मिल जाएगा, जिस कलर के आपके हेयर हैं आपको कलर मिल जाएंगे। सो मैंने ब्राउन परचेज किए थे हाईलाइटिंग वाले, तो कुछ इस टाइप से। उस टाइम पर मेरे बालों में हाईलाइटिंग भी थी, अभी फ़िलहाल नहीं है। सो कुछ इस टाइप से है, मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो बैक साइड आप देख सकते हो इस तरह से आपको पिन मिल जाएंगी, इसमें लगी हुई आती है, तो 5 पिन दिए हुए हैं जिसकी हेल्प से आप अपने बालों में इजीली इनको टक कर पाओगे। ये बहुत इजीली लग जाते हैं। तो ये फ्रंट साइड से कुछ इस टाइप से, और लेंथ आप देख सकते हो इसकी, जो लेंथ है मुझे अभी याद नहीं, मैं स्क्रीन पर आपको मेंशन कर दूंगी इसकी कितनी लेंथ है। सो आप लेंथ देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है, और इनकी जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसकी जो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल नेचुरल लग रहे हैं ये हेयर छूने में भी और देखने में भी। बस ये कैमरे की वजह से शाइन जो आ रही है इसीलिए आपको ऐसे लग रहे होंगे, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इनकी। तो मैंने इनको रिटेंगल कर लिया है कॉम करके, आप इनको कॉम भी कर सकते हो, इवन आप इनको कर्ल भी कर सकते हो, स्ट्रेट भी कर सकते हो, वॉश भी कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप से आपको हाफ सेक्शन अपना पिक करना है फ्रंट साइड से और उनको फोल्ड कर लेना है। हाफ सेक्शन मैंने इस तरह से, क्राउन सेक्शन जो होता है वो मैंने फोल्ड किया है, कुछ इस टाइप से फोल्ड कर लेना है इनको अच्छे से, किसी रबर बैंड की हेल्प से मैं इसको सिक्योर कर लूँगी। तो इसको आपको ज़्यादा नीचे से अप्लाई नहीं करना है, अपने हाफ सेक्शन से ही इसको अप्लाई करना है। तो बहुत इजी है इनको अप्लाई करना, बस इनको आपको टिक टैक पिन जो आती हैं कुछ उसी टाइप से है इनकी पिन, और इनको आपको अपने बालों में टक कर लेना है बहुत अच्छे से, और ये रुक जाते हैं बिल्कुल भी, आपके बालों में हैवी बिल्कुल भी फील नहीं होते हैं, बहुत लाइट वेट है, बिल्कुल भी हैवीनेस नहीं लगती है। तो यहाँ टक हो चुके हैं अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से लग चुके हैं। अभी मैं अपने जो आगे के बाल उनको ओपन कर ले रही हूँ। सो कुछ इस टाइप से आपको लुक दिखेगा बैक साइड से, तो मैंने यहाँ कॉम नहीं किया है, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से है। फ्रंट साइड से लुक कुछ इस टाइप से है, और आप देख सकते हो दोनों साइड काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आ चुका है इसमें, और हेयर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जैसा कि मैंने बताया। एंड में फॉल आउट की मैं बात करूँ तो लिटिल बिट इसमें फॉल आउट है, ज़्यादा नहीं है। सो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं बाल। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइज, अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर बाय कीजिएगा, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइज मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। We'll go through the
till my shadow turns to sun rays.